हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली रिलेशनशिप पे बेस्ड है। वैसे मैं जनरली ट्विन सोल्स के लिए बनाती हूँ, बट मुझे एक ईमेल आया एक सब्सक्राइबर का और उसने मुझे साफ साफ लिखा कि मैम, मैं आपके वीडियोस सुनती हूँ और मुझे बिल्कुल कन्फर्म है कि मैं ट्विन सोल नहीं हूँ, बट मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प कर पाएंगी। अब उन्होंने इतनी पूरी उम्मीद से मुझे मेल किया तो आई थॉट कि आई मस्ट हेल्प हर आउट। और कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि जो हो सकता है कि दूसरे भी यंगस्टर्स के काम आए, इसलिए मैंने उनका जवाब वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। उनका सवाल ये है कि रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उनकी बॉयफ्रेंड ने उनसे कहा कि तुम मेरे लायक नहीं और उनको छोड़ दिया। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पेंस में है और उनको लाइफ में ना कुछ भी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। देखिए, वैसे आई एम नॉट रिलेशनशिप कोच, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग वीडियो जस्ट फॉर द स्पेशल रिक्वेस्ट, दैट्स इट, एंड आई ट्राई टू डू जस्टिस विद योर क्वेरी। ऑलराइट, सी, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आप मेरे लायक नहीं, तो उस चीज़ को आप पॉजिटिवली ऐसे लीजिए कि आप इस इतने लायक बन जाइए, इतने लायक बन जाइए कि वो आपके लायक ना रहे। मैं ये कहूँगी कि आप इतने लायक बन जाइए कि फिर वो आपके लायक ना रहे, ठीक है। रही बात कि अभी का टाइम कैसे काटा जाए, सी वॉट एवर, हर इंसान को हैप्पीनेस चाहिए। अल्टीमेटली यू वांट हैप्पीनेस फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड, ठीक है, और वो हैप्पीनेस चाहिए और जो उसके अंदर प्यार भरा होता है वो आपको अपने बॉयफ्रेंड को देना है, ठीक है। तो द लव इनसाइड यू यू वांट टू थ्रो ऑन योर बॉयफ्रेंड इज बेटर कि यू थ्रो आउटसाइड द वर्ल्ड, थ्रो इट पोर इन द सोसाइटी। आप समाज में उस प्यार को बांटने की कोशिश करिए और जब राइट टाइम आएगा तो आपको द डिज़र्विंग पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा और आपकी मैरिज हो जाएगी। हमारे अंदर होता क्या है, इस जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर बहुत प्यार है और कुछ तो प्यार हमारा ना बॉलीवुड मूवीज़ देख के बढ़ भी जाता है। लिटरली द ऑल दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ एंड फैंटसी। तो हमें ये मन करता है एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हम भी पेड़ के चारों तरफ उसके साथ रोमांस करें लाइक दिस। तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, आपके अंदर जो प्यार है उसको आप अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती हैं, जो प्यार आपके पास है उसके पास नहीं है, इसलिए उसने आपकी वैल्यू नहीं करी। वो प्यार आप समाज को दीजिए और फिर जब राइट टाइम पे आपकी लाइफ में आपका डिज़र्विंग पार्टनर जब आएगा तो वो प्यार आप उसको दीजिए। सिंपल सी थिंग। अब ये भी बात समझ में आती है, बट हम लाइफ में अभी एंजॉय कैसे करें। सी, वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ, इट हैज़ बीन पास्ट एंड टेक दैट पर्सन हैज़ बीन पास्ड अवे। जो पास्ड, जो समय बीत गया है, द टाइम हैज़ बीन पास्ड, सो टेक दैट पर्सन ऑल्सो पास्ड अवे इन योर लाइफ। इट टेक इट लाइक दिस, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे, ठीक है। हमको ना तो लाइफ में पास्ट में रहना चाहिए ना ही फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट जो बीत गया है वो मर गया है और फ्यूचर हम जानते नहीं हैं। तो ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट है वही नया है, वही फ्रेश है। तो व्हाई कांट यू बिगिन अ न्यू लाइफ एज अ फ्रेश लाइफ। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अक्सर जैसे कि हस्बैंड वाइफ में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, आफ्टर द मैरिज 5 years, 10 years, 15 years मैरिज के बाद बहुत ऊब जाते हैं, जिसको समटाइम्स हम कहते हैं मैरिज इच।
क्योंकि हम लोगों को हर दिन कुछ नया चाहिए. वी वॉन्ट समथिंग फैसिनेटिंग एवरी डे, समथिंग न्यू. हमको लाइफ में एक्साइटमेंट कब आता है? जब हमको कुछ नया चाहिए होता है लाइफ में. वी वॉन्ट समथिंग फैसिनेटिंग, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग टू डिस्कवर एवरी डे. लाइक कि अगर आप कहते ना रोज से एक ही चीज़ खाओगे तो समथिंग, कहते हैं संडे को कुछ अच्छा नाश्ता बनना चाहिए, स्पेशल बनना चाहिए. तो एवरी वन वांट सम स्पेशल. लेकिन आपकी जो शादी हो जाती है तो यू कांट संडे ब्रेकफास्ट की तरह यू कांट हैव अ न्यू डिफरेंट एक्साइटमेंट विद डिफरेंट पार्टनर. ये तो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम उस ही रिश्ते को हर दिन नया समझ के इन्जॉय कर सकते हैं. आपका जो भी पार्टनर है, जो आपकी मैरिज को 5 years, 10 years, 15 years जितना भी हो गया है, पार्टनर सेम है आपका, लेकिन आप उस पार्टनर के साथ जो पास्ट में बीत चुका है उसको पास्ट अवे कर दीजिए. जो आज का दिन है आपके पार्टनर के साथ, वाई कांट यू टेक इट लाइक ए न्यू फ्रेश डे? एंड वाई कांट यू एन्जॉय इट लाइक, हर चीज़ पुरानी जैसी क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ पुराना जैसा ही होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा. जो पुराना जैसा है वो तो एक्साइटिंग हो ही नहीं सकता. देर शुड बी समथिंग न्यू फ्रेश एक्साइटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं सपोज़, ठीक है, हम लोग अपनी इंडियन टीम ले लेते हैं सपोज़. एक फिक्स हमारे इंडियन टीम में क्रिकेटर्स होते हैं, है? हमारे एक टीम है जो हर जगह क्रिकेट खेलती है. हमारे क्रिकेटर्स सेम होते हैं, ठीक है, उनके जो बैट होते हैं वो भी सेम होते हैं, उनकी जो बॉल होती है वो भी सेम होती है, बट एवरी टाइम उनका जो मैच होता है वो डिफरेंट होता है. एवरी टाइम उसका रिजल्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इसीलिए हर एवरी टाइम एक्साइटमेंट भी अलग होता है, ठीक है. तो वाई कांट यू टेक लाइक एज योर पार्टनर, आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है, वो हमारी टीम, इंडियन टीम की तरह हमारा पार्टनर भी सेम है, ठीक है, हमारी लाइफ भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लाइक सेम क्रिकेट का बैट, सेम क्रिकेट की बॉल, सेम क्रिकेट की टीम, बट एवरी डे वी हैव सम न्यू गेम, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू फ्रेशनेस. हम वैसे ही फील क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो आप अपनी लाइफ को प्लीज़ एक न्यू फ्रेशनेस, न्यू बिगनिंग दीजिए, एंड बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, ठीक है. दोस्तों, ये तो एक हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर की एक क्वेरी थी, उसका मेरा आंसर था. लेकिन अगर ट्विन सोल्स भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि आई थिंक हम लोगों को लाइफ में ना बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए. टेक योर लाइफ वेरी प्रैक्टिकल. ज़िंदगी को मजाक मत समझिए, लाइफ को बहुत सीरियसली लीजिए. मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक जब तक कि आप 100% कन्फर्म नहीं हैं, जब तक आप लोग 100% कन्फर्म नहीं हैं कि आप ट्विन्स हैं, प्लीज़ डोंट टेक योर लाइफ लाइक अ फन. अपनी ज़िंदगी का मजाक मत बनाइए अनटिल और अनलेस आप लोग 100% कन्फर्म नहीं हैं. सी, मैं बहुत जेन्युइनली, बहुत ऑनेस्टली आपको एडवाइस करती हूँ, उसमें से बहुत यंगस्टर्स भी हैं, अगर आप लोग 100% कन्फर्म नहीं हैं तो अपने आप को ट्विन जर्नी में मत रखिए. पॉपअप्स, एकदम से कोई ट्विन की साइट चैनल पॉपअप हो गया, देयर इज नथिंग सरप्राइज. ये कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है कि आप ट्विन्स हैं. आपने ट्विन्स के वीडियो सुने और साइकोलॉजिकली आपको भी सिंक्रोनिसिटीज होने लगी, तो एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे कह दूँ, मैं कोई एक खास नंबर बोल दूँ कि आप 199 देखेंगे ना तो उसका मतलब होता है ये, यू स्टार्टेड सीइंग 199 नंबर एवरीवेयर, क्योंकि एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल. जो हमारे माइंड में सेट हो गया वही हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं. तो सिंक्रोनिसिटीज अगेन नॉट अ सिम्टम, ठीक है.
फिर जनरल रिलेशनशिप पे भी ब्रेकअप्स होते हैं, सेपरेशंस होते हैं, जिनका हार्ट वीक है वो भुला भी नहीं पाते हैं. तो बहुत चीज़ें कॉमन होती हैं जनरल रिलेशनशिप में, ठीक है, ट्विन सोल्स के रिलेशनशिप से. तो अब थिंग इज़ दिस कि हमको ये भी कंफर्म नहीं है कि हम 100% ट्विन्स हैं, और हम इस जर्नी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं. अब आपके में से बहुत सारे लोग का सवाल ये होगा, मैम मुझे तो शिफ्ट का असर भी होने लग गया है, तो मतलब मैं तो ट्विन ही हूँ पक्का, ठीक है. अब आप लोग ना तो इस जर्नी को छोड़ पा रहे हो, आपके संग प्रॉब्लम क्या होगी कि ना तो आप ये जर्नी को छोड़ पा रहे होगे, ना ही आपको ये कंफर्म होगा कि आप 100% ट्विन है कि नहीं. उल्टा शिफ्ट्स के अगर असर भी हो रहे होंगे आपको, तो आप कहोगे कि ये तो पक्का कंफर्म है कि मैं ट्विन हूँ, कि मुझे शिफ्ट्स के असर भी हो रहे हैं, ठीक है. तो देखिए दोस्तों, शिफ्ट्स का असर आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन लोगों की अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी से होती है, लॉर्ड बुद्धा, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी अवेकनिंग ट्विन सोल से नहीं हुई थी, उनकी भी अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी से हुई थी. एक जनरल स्पिरिचुअलिटी से जिनकी अवेकनिंग होती है, उनको भी डायमेंशंस का असर होता है, पहली चीज़. अब चलिए ये चीज़ को हम अलग कर देते हैं. अब हमारा डाउट ये है कि हम ट्विन जर्नी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और हमें कन्फर्म भी नहीं है, इसका क्या करें. उसका ये कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी जरूर पूरी करिए. स्पिरिचुअलिटी कि सिर्फ ट्विन्स के लिए नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए होती है. आपके कर्माज अच्छे थे कि किसी कि आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में चल रहे हो, अपनी ये जर्नी पूरी करिए. स्टूडेंट्स अगर हैं इस जर्नी में, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना करियर पूरा करें. अगर मैरिड लोग हैं इस जर्नी में, तो वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सोलमेट्स और कार्मिक के साथ हैं वो पूरी करें, अपना अपना काम पूरा करें, अपनी और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को पूरा करें. अगर आप ट्विन सोल्स होंगे तो ट्विन तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी भी तो पूरी कर रहे हो ना, है कि नहीं. जो यंगस्टर्स हैं वो अपना पढ़ाई पूरा करें, अपना करियर पूरा करें, गॉड को सरेंडर करें. गॉड को सरेंडर करने में बुराई तो नहीं है, गॉड को सरेंडर अकेले ट्विन्स को थोड़ा ना होना है, गॉड को सरेंडर तो कोई भी हो सकता है. गॉड को सरेंडर होइए, स्पिरिचुअलिटी में चलिए. जो मैरिड लोग हैं वो भी गॉड को सरेंडर होए, स्पिरिचुअलिटी में चलें और अपने सारे फर्ज करें. अगर आप ट्विन सोल्स होंगे तो वो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे मिल ही जाएगा, ठीक है. लेकिन कन्फ्यूज रहना, फंसे रहना, ठीक है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ज़िंदगी को मजाक बना लेना, ये मत करिए. डोंट वेस्ट योर लाइफ. ये ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, और ये ज़िंदगी कितनी है कोई नहीं जानता. लाइफ इज़ अनसर्टेन. और मैं कभी भी किसी को अननेसेसरी गलत सलाह ना देने दूंगी, और ना मैं उनको गलत राह में चलने दूंगी. लिटरली आई एम ऑनेस्टली, अगर मैं एक ट्रू इंडियन हूँ, ठीक है, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं डेफिनेटली किसी भी गलत इंसान को गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगी. आप मैं लिटरली दिल से चाहती हूँ कि आज की जनरेशन टाइम वेस्ट ना करें. अगर दे आर नॉट कन्फर्म, दे आर ट्विन्स. जर्नी में चले, स्पिरिचुअलिटी में चले, भगवान को सरेंडर होइए, अपनी अपना करियर पूरा करिए. बट सिर्फ इसी को लेके बैठे रहें और अपनी लाइफ ख़राब कर लें, ये लिटरली मैं नहीं चाहती हूँ. मैंने बस इसीलिए इस वीडियो में ये पॉइंट भी ऐड ऑन किया है, ठीक है दोस्तों. टेक केयर ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ गुड डे अहेड.